हाँ जी क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आरडी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, एक ये और एक ये, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कॉमन क्या है, देखिए 1/3x + y इसमें भी है, इसमें भी है, 1/3x - y इसमें भी है और इसमें भी है। ये 2 को भी छोड़ दीजिए, जो कॉमन है वो पकड़ना है, उसी को हमने ए और बी मान लिया। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके लिखेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे इसको, हमने मैंने पिछले शॉर्ट में सिखाया था। ओके, ये पूरा पार्ट हो गया ए, ये पूरा पार्ट हो गया बी इज इक्वल टू 3/4। इक्वेशन बन गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4a + 4b इज इक्वल टू 3। ओके बच्चों, अब ये है, इसको ब्रेक करके लिख सकते हो, 1/2 अलग कर सकते हो, इंटू 1/3x + y अलग कर सकते हो। तो 1/2 अलग रहेगा, 1/3x + y a बन जाएगा, तो a इंटू 1/2 क्या बन जाएगा, a/2। नहीं समझ में आया तो पिछला शॉर्ट देख लेना, उसमें बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है। ओके, अलग से लिख के -b/2, क्योंकि 2 तो नीचे ही रहेगा, ये तो नीचे डिनोमिनेटर में, ये पूरा पार्ट b बन जाएगा, तो b ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया, -b/2 इज इक्वल टू 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी हमारी 4a - 4b इज इक्वल टू 1। ओके, एलसीएम लिया, 2 आया, 8 को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, कैंसिल करा, यहां से इक्वेशन बन गई ये वाली हमारी। ओके, 4a - 4b, एक इक्वेशन हमारी ये थी 4a + 4b 3। एलिमिनेशन लगाया, सॉल्व करा, ए की वैल्यू आ गई 1/2। ये 1/2 आप चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इन दोनों में से किसी में पुट कर दो, मैंने ये वाली पकड़ ली। ओके, इसमें पुट कर दिया 1/2 को, सॉल्व करा, बी आ गया 1/4। अब हमें वैल्यू ए बी की नहीं निकालनी बच्चों, वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। तो ए 1/2 है, बी 1/4 है, ए के बदले वापस जो एज्यूम किया था लिखेंगे, बी के बदले जो वापस एज्यूम किया था लिखेंगे। दो इक्वेशंस यहां से बनेगी, इससे ये बनेगी, इससे ये बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये ऊपर पहुंच जाएगा। ओके, 2 इधर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, दोनों तरफ 1 है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिंपल हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अगर यहाँ पे कोई नंबर्स होते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो नंबर लिखना पड़ता। ओके बच्चों, फिर से दो इक्वेशन बन गई, फिर से एलिमिनेशन लगा दिया, एक्स की वैल्यू आ गई 1, वाई की वैल्यू आ गई -1। अगर आपको डाउट है अपने आंसर पे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पुट करके चेक कर लो क्या ये आंसर वेरीफाई हो रहा है। बहुत आसान होता है, एक्स अगर 1 पुट करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, ये -1 यानी कि 1/2, ये 3 बन जाएगा, ये +1 हो जाएगा माइनस की वजह से, तो ये हो जाएगा 1/4। तो 1/2 + 1/4 सॉल्व करोगे 3/4 आ रहा है, LHS RHS भी वेरीफाई हो जाएगी बच्चों। थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप ढंग से सीखेंगे तो यकीन मानिए नॉर्मल बच्चों से ऊपर उठ जाएंगे और नंबर भी आपके नॉर्मल से ज़्यादा आएंगे। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, फल जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।